हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। ये वीडियो जो भी अपलोड हुआ है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे पूरी कि हम लोग किस तरह से वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, किस क्लास के रहेंगे और वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं और किन किन कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये बताएंगे कि ये हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी 6 to 10th पढ़ाएंगे। अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग 6 to 10th ही पढ़ाएंगे और 11th 12th आप लोगों की सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। जैसा कि आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा और हम लोग का चैनल चला तो फिर हम लोग ज़रूर मेहनत करेंगे, क्योंकि 11th 12th में सभी जानते हैं कि बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा सिलेबस बढ़ जाता है, तो फिर उसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत करनी होगी। तो आप लोग अगर सपोर्ट मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 10th तक ही रखेंगे। और ये भरोसा आप लोग को रखना है कि हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। 6 to 10th बोला है तो पूरा 6 to 10th कवर करेंगे ही करेंगे। अच्छा, इसी के साथ ये भी बता दें कि इसमें हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले GS का पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये पार्ट हम लोग पूरा कवर करेंगे। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर उधर मैथ्स और EVS भी कवर करेंगे। EVS आप लोग की डिमांड पे रहेगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो EVS हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज़ यही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये बात आती है कि NCERT की इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग ने ये चैनल क्यों, इस चैनल को चुना है, NCERT ही क्यों चुना है, क्योंकि NCERT ऐसा है जो बहुत स्टूडेंट्स की ज़रूरत बनता है। वो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, SSC, UP SSC, UPSC, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें NCERT पढ़ना ही होता है। उसके सिलेबस में NCERT की ये 6 to 10th रहता ही है लिखा हुआ, तो इसलिए वहाँ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा, जो 6 to 10th स्टूडेंट्स हैं CBSE बोर्ड के, उनके लिए तो हेल्पफुल है ही। तो ये इसलिए हम लोगों ने इसको चुना, इसको प्रेफर किया। अच्छा, अब आप लोग, अगर आप लोगों का इसमें अच्छा सपोर्ट रहा तो हम लोग CBSE के साथ फिर ICSE बोर्ड भी स्टार्ट करेंगे। 6 to 10th ही करेंगे, पहले ICSE बोर्ड स्टार्ट करेंगे और आगे फिर देखेंगे। और CTET, TET ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनकी भी हम लोग तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पे, और अच्छा, आप लोग कमेंट में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। मतलब आप लोग देखिए, आप लोगों को GS भी मिलेगा, GS का वीडियो मिलेगा, साइंस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, ये तीन मिलेंगे, ठीक है। फिर डेली बेसिस पे या दो दो दिन पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसी आप लोग की डिमांड रहेगी उस तरह से। और लेकिन ये बता दिएगा ज़रूर कि GS में कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एक एक सब्जेक्ट पहले पहले पूरा पूरा कवर करें या फिर दो दो सब्जेक्ट लेके चलें, या फिर जैसे हिस्ट्री का एक, एक ज्योग्राफी का, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमिक्स का, इस तरह से पढ़ाएं, पूरी GS कवर करते चलें या फिर सब्जेक्ट वाइज पूरी कवर करें। तो ये सब आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसी तरह से फिर स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और ये हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग सिलेबस पूरा कवर करेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। 6 to 10th पूरा सिलेबस कवर करेंगे NCERT का, ये हम लोग का प्रॉमिस है। अब आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, ये आप लोग पे डिपेंड करेगा पूरा पूरा, और तभी हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू सो मच।